हेलो, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके वही केमिस्ट्री है ना, दोबारा से। हमारा कहाँ तक हो गया था? हमारा वो छोटा पार्ट हुआ था वाटर का, जिसमें मैंने आपको क्या क्या समझाया था, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है। आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, वो हमने किस में देख ली, केमिस्ट्री के आपको फर्स्ट चैप्टर में देख ली थी हमने। केमिकल नेम इसमें पढ़ लिया था, ये हमने उसमें भी पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में। मॉलिक्यूल मास के होते हैं वो इसमें हमने समझा था अच्छे से, इसमें हमने ज़्यादा अच्छे से समझा था, उसमें कम अच्छे से। फिर थोड़ी वाटर के बारे में पढ़ा था कि पानी तो बहुत है हमारे अर्थ सरफेस पे, देखा है तो अर्थ सरफेस में हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन पीने वाले कुल 2.5% ही है ना, जिसमें से भी आधा जमा हुआ है, जिसमें से भी काफ़ी जमा हुआ है, फ्रीज फॉर्म में फ्रोजन है ना। फिर हमने वाटर की स्टेट देखी थी, फिर बताया था कि बॉडी में नियरली 70% बॉडी को वाटर होता है, ठीक है। वाटर को हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा था सर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा था, सॉल्वेंट का मीनिंग समझा था। सॉल्वेंट मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ों को डिजोल्व कर पाए, तो वाटर के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिजोल्व हो जाती है, ऑलमोस्ट सारी नहीं पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिजोल्व हो जाती थी, इसलिए हमने उसको क्या बोला, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला था। फिर देखा था वाटर जो पीने के लिए होता है ना, उसको पीने के लायक बनाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, फिल्टर करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगानी पड़ती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस लगानी पड़ती है, फिर थोड़ा सा उसमें क्लोरीन जोड़ ऐड करना पड़ता है, तो जाकर पानी पीने लायक हमारे लिए बनता है, ठीक है। अब आ रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो ये काफ़ी इसमें 3-4 पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। पहला पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, सेकंड थर्ड कनेक्टेड है ना। नेचर हमने देखा था कि वाटर का नेचर क्या है, एक क्लियर होता है, एकदम साफ होता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, ठीक है। एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट लुक देने वाला लिक्विड है, इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, इट इज़ ऑडरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, इट इज़ टेस्टलेस, इसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता, प्योर वाटर की बात करें तो। लेकिन आपको सर जो हम घर में पानी पीते हैं उसमें तो टेस्ट होता है, हाँ उसमें टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनके अंदर क्या होती हैं, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से उसमें थोड़ा सा स्वाद आ जाता है आपको, वो बेसिकली वो इम्प्योरिटीज़ का ही फ्लेवर होता है, वो कोई टेस्ट नहीं होता, वो इम्प्योरिटीज़ का ही क्या होता है, फ्लेवर होता है, ठीक है। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग वाटर से तीनों पॉइंट एक ही में कर दिया उन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छे। तो बॉइलिंग पॉइंट से मतलब क्या समझ में आता है आपको, यानी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये बॉइलिंग पॉइंट से मतलब क्या है, पढ़ तो रखा आपने होगा 8th में भी 7th में भी, ठीक है। होता क्या इसका मीनिंग क्या है आपको पता है? आप पानी अगर एक बाउल में किसी एक पॉट में किसी बर्तन में पानी भर लो थोड़ा सा, ठीक है, और उसको किचन में ले आकर उसको गैस पे रखो, तो आपको पता है आप जैसे गैस पे रख दोगे ना, वो इमीडिएटली बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा, इमीडिएटली वो गर्म नहीं होगा, इमीडिएटली बॉइलिंग उसकी स्टार्ट नहीं होगी। तो बॉइलिंग करने के लिए हमें उससे कुछ देर तक रखना पड़ेगा गैस पर, क्या आपको पता है कुछ देर तक क्यों रखना पड़ता है, एकदम से क्यों नहीं गर्म होता वो, एकदम से क्यों नहीं बॉयल होता वो, कुछ टाइम तक रखना पड़ता है, कुछ टाइम तक गैस पर रखेंगे तभी जाकर वो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होता है, ऐसा क्यों? वीडियो पॉज करके आप रीजन दे सोच सकते हो और मुझे बता सकते हो, ठीक है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बॉइलिंग का ना एक सर्टेन पॉइंट होता है सर, बॉइलिंग का सर्टेन पॉइंट होता है, हाँ। जब भी चीज़ कोई बॉयल करनी होती है तो हर मैटर का, मैं वाटर की नहीं कह रहा, मैं हर मैटर का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है सर। बॉइलिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, पॉइंट ऑफ टेम्परेचर बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का वो पॉइंट, यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पर टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट जिस पर टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट जिस पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए कि चीज़ें बॉयल होना स्टार्ट हो जाएं। तो ऐसे वाले पॉइंट पर जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो हम उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उस वाले पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर का केस लूँ मैं, वाटर का मुझे याद है, वाटर को तो आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है, हर बुक में एग्जाम्पल जो होते हैं वाटर के होते हैं। तो वाटर का अगर बताऊँ तो वाटर पता क्या है, अब वाटर को आपने ले आके रख दिया, तो उसको वाटर के आपने आइस रख दी,
0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो आपने उसको गैस पे रखा, वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं होगा। तो 0 से भर करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक पहुंचेगा, तब जाकर पानी आपका बॉयल होगा, वो मेल्ट होगा। मेल्ट होके फिर थोड़ा गर्म होना स्टार्ट होगा, फिर गर्म होके वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, फिर वो 80, 90, 100 पहुंच जाएगा। जैसे टेम्परेचर 100 पर पहुंच जाएगा, जैसे हीट एनर्जी का जो टेम्प हीट एनर्जी उससे टेम्परेचर बनेगा उस वाटर के अंदर, जैसे वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, एट दैट टाइम उसी टाइम से तुरंत आपको वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि वो 100 टेम्परेचर पर जब पहुंचेगा तब जाकर वाटर बॉयल होना स्टार्ट करेगा, ना तो उससे पहले ना उसके बाद, ठीक है, उसी पॉइंट पर होगा। फिर उसके बाद नहीं होगा, नहीं उसके बाद होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर कुछ ही 3 डिग्री बाद वो वेपर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और ये हर मैटर का अलग अलग होता है, हर मैटर का अलग अलग होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं अंडर नॉर्मल प्रेशर, अंडर नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर को वो एक यूनिट में दे रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने पढ़ी नहीं है कि प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर नॉर्मल प्रेशर की बात की जाए तो जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय, वो कह रहा है ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना कि वाटर का, ये अफेक्ट होता है, ये अफेक्टेड होता है। किस चीज़ से अफेक्टेड होता है, यानी कौन सी चीज़ को अफेक्ट करती है, प्रेशर, प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज कंसिडर्ड एज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये इम्पोर्टेंट है लिखना, सर मीनिंग तो समझ में नहीं आया, तभी तो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया, नहीं तो मैं आपको यहाँ से पढ़ा के नहीं समझा देता हूँ। पर यहाँ पे जो लैंग्वेज भी है टेक्निकल है, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो गई। अब टेक्निकल लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे बॉल पॉइंट का मतलब, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जब वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल हो। जब वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों सेम हो। सर मतलब समझा दो थोड़ा सा, टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी तो समझाई दो, थोड़ी सी तो समझाई दो। हाँ तो बिल्कुल समझो, वेपर प्रेशर मतलब क्या, अब पानी है, पानी तो पानी के अंदर हीट तो आई रही है, पानी को बॉयल तो कर ही रही हो ना, वो हीट तो एनर्जी तो दे रही हो, गर्म तो हो रहा है। तो पानी के जो मेटल्स मैटर्स हैं, पानी के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, वो बाहर निकलने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, वो बाहर निकलने के लिए प्रेशर लगा रहे हैं, और वो निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक जैसे आप गर्म कर दोगे ना, अब वो इतने गर्म हो चुके, इतने गर्म हो चुके ना, किसी भी हालत में एनी हाउ ना पानी से बाहर निकलना ही, उन एलिमेंट्स को पानी से बाहर निकलना ही। तो अब वो अपनी पावर इतनी बढ़ा लेते हैं, इतनी बढ़ा लेते हैं कि वो एटमोस्फेरिक प्रेशर को डिफीट कर पाए, एटमोस्फेरिक प्रेशर को कर पाए, डिफीट कर पाए। क्योंकि बाहर एटमोसफेयर में प्रेशर चल रहा है, वो प्रेशर कैसा है, वो पानी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इसी की तरफ, बर्तन की तरफ, और जो हीट एनर्जी की वजह से जो प्रेशर बन रहा है वेपर प्रेशर, वो पानी को नीचे से एटमॉस्फेयर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को धकेल रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जिस वजह से हमारा वाटर वेपर हो नहीं पाता, वेपर बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। लेकिन जैसे जब दोनों इक्वल टेम्परेचर क्या हो जाता है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उनमें इंटरचेंजेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा वेपर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, तब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बॉइलिंग करते हैं तो थोड़ा सा वेपर बाहर भी जाता है और थोड़ी सी बाहर से एनर्जी अंदर भी आती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब ये बिसेल, ये बिसेल मीनिंग नहीं बता रहा, वो बता रहे कि कब होता है बॉइलिंग पॉइंट, कब से स्टार्ट होता है। तो वो कह रहे बॉइलिंग कब से स्टार्ट होती है, या फिर वो कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। अब कौन सा टेम्परेचर है, वो एक ऐसा टेम्परेचर है जब वेपर का प्रेशर और एटमोसफेयर का प्रेशर दोनों इक्वल हो। दस द ग्रेटर द प्रेशर हायर द बॉइलिंग पॉइंट। हाँ अब वो कह रहे कौन से प्रेशर की बात कर रहा है, अभी जो पहले ना द ग्रेटर द प्रेशर, ग्रेटर द प्रेशर, तो कौन से प्रेशर की बात कर रही है, बात कर वेपर प्रेशर की। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही वो, सॉरी ये बात कर रहा है एटमोस्फेरिक। अब ये दोनों की बात कर रहा है, अगर दोनों के प्रेशर ज़्यादा है, दोनों के प्रेशर पॉइंट क्या है ज़्यादा है, कि दोनों में मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो
उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें और हीट करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा, और हीट करेंगे तो और टाइम लगेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर तक ले जाना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर हमें चाहिए होगा। एंड वाइस वर्सा, यानी कम प्रेशर है तो कम टाइम लगेगा। दिस इज द प्रिंसिपल बाय विच प्रेशर कुकर वर्क, वो कह रहे हैं यही वो प्रिंसिपल है जिसके बेस पर हमारा कुकर जो प्रेशर कुकर काम करता है। ठीक है, उस कुकर की सीटी कब बजती है, उस कुकर की सीटी कब बजती है जब उसका प्रेशर, उसके अंदर जो वेपर बन रहा है, उसका अंदर जो वेपर बन रहा है वो वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, इन द हिल्स वाटर बॉइल्स एट अ टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है अगर हम हिल्स की बात करें तो वहाँ पे वाटर ना 100 डिग्री की जरूरत नहीं है, आप 100 डिग्री से नीचे ही वो क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। सर क्यों? आप जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना ऊपर आप जितनी ज़्यादा हाइट अचीव करोगे, आप जितना ज़्यादा हाइट पर जाओगे, आप जितना ज़्यादा ऊंचा जाओगे, उतना ही ना एटमोसफेयर का प्रेशर कम होता रहेगा, उतना ही एटमोसफेयर का प्रेशर कम होता रहेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना ही एटमोसफेयरिक प्रेशर कम होगा। सर अगर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट में कम चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही लिखा हुआ है, हिल्स पे कम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो जाता है नियरली अराउंड, वो कह रहा है अगर माउंट एवरेस्ट की बात की है तो माउंट एवरेस्ट पर 70 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म हो जाता है। एंड सो फूड इज नॉट कुक्ड प्रॉपरली देयर, और इस वजह से वहाँ पे खाना भी क्या होता है अच्छे से पक नहीं पाता। देयरफॉर प्रेशर कुकर हिल्स आर प्रेपर, वो प्रेशर कुकर आर यूजफुल नहीं। अब वो कह रहे हैं यही दिक्कत, यही वजह है कि ऐसी जगहों पर आप खुली में, खुली अगर आप तो खुले में आप कोई चीज़ बना लो तो खुले में आप चीज़ नहीं बना पाओगे, आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए ऐसी जगह पर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इन इट। ये इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वाटर का है तो इस प्रेशर की वजह से नहीं भरता, एक दूसरा रीज़न और है, एक दूसरा रीज़न और है, वो दूसरा रीज़न क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इन इट। आपको पता है आप अगर सिंपल वाटर बॉयल करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस तक आपको बॉयल करना पड़ेगा, अगर आपने उसके अंदर कुछ चीज़ डाल दी तो 100 डिग्री नहीं, वो 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर मांगेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए क्योंकि आप वहाँ पर एक से डिजॉल्व, आप एक से बॉयल नहीं करें, वहाँ पर दो चीज़ बॉयल हो गई, एक तो वाटर और दूसरा अब जो उसके अंदर चीज़ डली है वो भी तो बॉयल होगी नहीं होगी, अब उसको बॉयल करने के लिए उसमें भी तो हीट एनर्जी जाएगी, तो दोनों में एनर्जी लगेगी ना, तो दोनों का टेम्परेचर जोड़ोगे तो 100 डिग्री से कम आएगा, 100 डिग्री से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि अगर वाटर में कोई चीज़ डिजॉल्व है, इम्प्योरिटीज़ की बात करें बेसिकली, वो कि अगर वाटर में इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है मैं तो कह रहा हूँ इम्प्योरिटीज़ को क्यों कह रहे हो, कुछ भी चीज़ अगर वाटर में कोई चीज़ है डली हुई है तो उसको डिजॉल्व करने में, मतलब उसको क्या कहते हैं बॉयल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये उसका जस्ट अपोजिट है, उसका क्या है, जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। तो वहाँ पे हम गर्म कर देते हैं, हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं बॉयल करने के लिए, यहाँ पे हम एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं रिलीज करते हैं, रिलीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हीट एनर्जी को। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दोनों को अलग अलग पड़ते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर चीज़ लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहाँ पर आपका जो लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल है आपका, वो आपका सॉलिड में चेंज हो जाए, जो सॉलिड में चेंज हो जाए तो उस टेम्परेचर वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर फैक्ट लिखे हुए हैं, प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो प्योर वाटर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रीज हो सकता है अंडर नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर मतलब क्या, जो नॉर्मल सारी चीज़ चल रही है, अगर चेंज होगा प्रेशर तो वो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन प्रेशर, वो कहता है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा।
यहाँ पर मैं बॉइलिंग का और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या डायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब क्या? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यहाँ पे आप बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अगर प्रेशर बढ़ा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे फिर प्रेशर का मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेसिकली, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है। और ये कब कब और घट जाएगा? ये इम्प्योरिटीज भी इफेक्ट डालते हैं, इम्प्योरिटीज भी इफेक्ट डालते हैं। तो कोई नेगेटिव डालते हैं, कोई पॉजिटिव डालते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर की टेम्परेचर बढ़वा दें तो वो तो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। कुछ चीज़ ऐसे होती हैं जिनके ऐसे कम दिन में आपको बॉयल करने में कम लगता है, इनफैक्ट ये खुद गर्म होती हैं, तो इनके केस में ये डिक्रीज कर देंगे फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं, तो डिपेंड करता है। ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। सर मेल्टिंग पॉइंट से यहाँ पे दिया ही नहीं है कहीं पे, दिया है बस ये एज्यूम करके चलने की आपको पता है पुरानी चीज़ें, ये एज्यूम करके चलने की 8th क्लास का आप जितना ही पढ़ के आए ना आपको सब याद है, बस उसको एज्यूम कर रहे हैं। सर एज्यूम कर रहे हैं, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस वही पॉइंट है। अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे यानी 100 से नीचे आते हो, 100 से 90, 80, 70, 60, 50, 30, 40, 20, 10, फिर 0, तो 0 डिग्री को कैसे बोलोगे? ये सब चीज़ें जम रही हैं, चीज़ें जम रही हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, चीज़ें ठंडी हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन आप इसको ऐसे पढ़ो, -100, -90, -80, -70, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद चीज़ें मेल्ट होना भी स्टार्ट जाएंगी। यानी 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है कि 0 डिग्री से नीचे गए तो चीज़ें जमी हुई मिलेंगी आपको। फ्रीज तो 0 डिग्री पर ही हो जाएगा, फ्रीज तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, लेकिन जैसे 0 से आप नीचे गए यानी माइनस की तरफ गए तो वो जमा ही रहेगा, फिर वो फ्रीज ही रहेगा, फ्रोजन ही रहेगा। लेकिन जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर बढ़े, 1 डिग्री भी ऊपर बढ़े, तो फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री को भी मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो जितने सारे प्रिंसिपल्स फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लगते हैं, वो तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स मेल्टिंग पॉइंट के लिए लगते हैं। ठीक है। बस मेल्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन उल्टी होती है। ठीक है। एक बार दोनों पढ़ लो। ठीक है। मैं भी 2 मिनट में पानी पी के आता हूँ।
स्टार्ट करते हैं ना, अगर कुछ रह गया आपको रीड करने से तो पॉज करके उसको रीड कर दो, ठीक है? आपके अगर सेकंड तक नहीं हुई है तो पॉज करके रीड कर दो। डेंसिटी। डेंसिटी से कुछ याद आया, डेंसिटी वाला एक चैप्टर मैंने कराया था। आपको कराया, किसको कराया मैंने डेंसिटी का मीनिंग? मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने किसको कराया। अभी रिसेंटली कहीं मैंने डेंसिटी का मीनिंग बहुत डिटेल में क्लियर किया था। हाँ, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में आपको किया था मैंने डेंसिटी का मीनिंग क्लियर, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है। चलो नहीं किया तो, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसको मैंने समझाया है। डेंसिटी आपको पता है क्या होती है? डेंसिटी का मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं ये नहीं पूछ रहा वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैं डेंसिटी का मीनिंग पूछ रहा हूँ। कोई आइडिया थोड़ा बहुत भी? अब लिखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि क्लियर केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स ऐसे जो आपको पता होने चाहिए, अगर मीनिंग नहीं पता ना तो फिर समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दो सेकंड में गूगल ओपन कर रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है एक बार पूरा पढ़ लो और इसको जरा ध्यान से पढ़ना। डेंसिटी इज अ वर्ड, डेंसिटी इज अ वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस टेक्स अप। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लो बेशक, ये लिख लो डेंसिटी का मीनिंग कहीं पर लिख लो, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन मिली है तो बुक में भी नहीं इतनी अच्छी था, ये तो मेरे को समझाना पड़ता है बहुत बार, यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया आपको। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी एक ऐसा वर्ड है जो बताता है, डेंसिटी एक ऐसा वर्ड जो बताता है, क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस ली है, कितनी जगह ली है, ये बताता है कि आपने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है। सर कैसे बताता है? ये बताता है पर यूनिट ऑफ स्पेस में आपका कितना, मतलब सपोज करो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को मान लो तो 1 सेंटीमीटर। इस वॉल्यूम का पता है ना वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ स्पेस। वॉल्यूम क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है? तो वो कहता है पर यूनिट ऑफ स्पेस में आपने कितना वेट आपने रख रखा है,
आपने के सारे एलिमेंट्स रख रखे हैं, मास मतलब पता है ना, तो बताता है कि एक सेंट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम को मान लो, वॉल्यूम मान लो हम सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, एक जगह लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर की जगह है, तो ये तो डेंसिटी बताएगा कि एक एक सेंटीमीटर में कितनी चीज़ आ पा रही है, कितना अमाउंट ऑफ मास आ पा रहा है। सपोज करो अगर 1 सेंटीमीटर में 4 kg लोग आ पा रहे हैं, 4 किलो का वजन रख पा रहे हैं 1 सेंटीमीटर की जगह पर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, बेकार है, 1 सेंटीमीटर की जगह पर 4 किलो का वजन नहीं आ सकता। अगर 1 सेंटीमीटर की जगह पर 4 kg का वेट आ रहा है तो हम उसकी पता डेंसिटी क्या बोलेंगे, 4 kg/cm, 4 kg/cm³। तो 4 kg/cm³ पता है क्या बताएगा, वो बताएगा 4 kg/cm³ ये बताएगा कि 4 kg की चीज़ ना 1 सेंटीमीटर की जगह पर आ गई, 4 kg की चीज़ ना 1 सेंटीमीटर की जगह पर आ गई। तो ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या लिखी है, वो कह रहा है अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पर बात करें, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की वाटर जिस स्टेट में हो, सब 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कैसा होगा, कच्ची आइस होती है ना वैसा होगा ये, रॉ आइस फॉर्म में होगा, बेसिकली मेल्ट हो रहा होगा अगला। तो वो कह रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होगा ना वाटर, वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, वो कह रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है ना सबसे ज़्यादा होती है, तो ये तो याद करना पड़ेगा। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या, मतलब इस 4 डिग्री सेल्सियस पर ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर उस फॉर्म में होता है, उस फॉर्म में होता है कि जब वो कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन ऑक्यूपाई कर पाए, कम से कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा वेट रख पाए। तो कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में ना 1 सेंटीमीटर की जगह में ये 1 ग्राम का वेट रख लेता है, और ये उसका हाईएस्ट है, ये उसका हाईएस्ट स्पेस है ये, कि वो 1 ग्राम अपना वेट 1 सेंटीमीटर की जगह पर रख लेता है। और अगर उसको साथ मीटर में चेंज करना था तो मीटर में आप केजी में चेंज करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो दोनों 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और मिनिमम वॉल्यूम कहाँ पर होता है, तो मिनिमम आपको पता है कहाँ पर होगा, मिनिमम आपको कहाँ पर होगा, दो सेकंड को चार्जिंग पे लगा लूँ मैं थोड़ा। एंड मिनिमम वॉल्यूम मिनिमम वॉल्यूम तो दिया नहीं, वो कह रहा है ये बता रहा है कि अगर मिनिमम वॉल्यूम वाली जगह पर जाओगे, इसका मतलब कह रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी के वो सबसे ज़्यादा होती है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और वॉल्यूम सबसे कम। हाँ तो वो तो मैंने डेंसिटी का मिनिमम बताया था ना, डेंसिटी क्या बताता है कि पर यूनिट ऑफ स्पेस में, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम पे आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा मास रख सकते हो, तो उस पर तो ऑब्वियसली आता है हाईएस्ट डेंसिटी पर वॉल्यूम कम ही होगा। हाँ तो एग्जाम पूछ सकते हैं ये जो ऑब्वियसली आता है, पर एग्जाम पूछ सकते हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है, तो डेंसिटी में और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स यानी जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ही कम वॉल्यूम, और जितनी कम डेंसिटी उतना ज़्यादा वॉल्यूम, ठीक है। तो कह रहा वाटर एक्सपेंड ऑफ फ्रीजिंग, हाँ वाटर एक्सपेंड करेगा अगर हम उसको फ्रीज करेंगे, दैट इज 92 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बिकम 100 वॉल्यूम्स ऑफ आइस, वो कह रहे हैं अगर 92 पार्ट्स अगर होंगे वाटर के तो वो 100 में चेंज हो जाएंगे। देयरफॉर विद द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस बीइंग 0.928 सोर्स, वो कह रहे हैं कि अगर 92 की डेंसिटी 92.92 होगा, अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.92 होगा, तो ये फ्लोट करेगा, क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, थोड़ा सा बहेगा। अभी रिलेटिव डेंसिटी क्या है ये उन्होंने बताया नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ये मैंने दिमाग से कराया है ये चैप्टर पूरा। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर,
किसी भी मैटर की डेंसिटी निकालो एज कम्पेयर टू वाटर, लेकिन इस वाले केस में तो क्या हो रहा है, ये वाटर के वाटर से निकाल रहे हैं, वाटर के वाटर से निकाल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर 92 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर होगा, ठीक है, तो 100 वॉल्यूम्स ऑफ आइस होगा, 100 वॉल्यूम्स ऑफ आइस, अगर उसकी डेंसिटी निकालें तो 100/92 कर दो, 100/92 कर दो, सॉरी 92/100 कर दो, 92/100 कर दो, तो आपको जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कितना बड़ा है, छोटा है। मीने होते हैं, क्या मीने होते हैं एनोमलस का? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वर्ड मीनिंग साथ के साथ याद करते जा रहे हो ना। नोट कर लिया मीनिंग, मतलब मीनिंग तो नहीं, वर्ड नोट कर लिया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी में कैसे बोलूँ इसको मैं, एनोमलस का हिंदी में मीनिंग क्या बोलूँ मैं, हिंदी में कैसे, मतलब अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द रूल्स मतलब क्या, एनोमलस मतलब क्या होता है, एनोमलस का मीनिंग हिंदी में अनयूजुअल, अनयूजुअल लिख लो, हाँ अनयूजुअल, अनयूजुअल यानी यूजुअली जो होता है ना वैसा ना होना, अनयूजुअल। तो टॉपिक है अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हेडिंग कितनी खतरनाक बना दी एनोमलस वर्ड यूज करके, अब थोड़ी हेडिंग आपको इजी लग रही होगी, अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है पढ़ते हैं क्या कौन सा अनयूजुअल एक्सपेंशन होता है, कब वाटर अनयूजुअली एक्सपेंड होता है। तो कह रहा है वाटर हैज एन अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टी, वाटर की एक अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टी है, वैन कूल्ड इसको ठंडा करोगे तो पहले तो कॉन्टैक्ट होगा, पहले तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा कम होगा, ठीक है, एंड टू अदर लिक्विड्स, और ऐसे अदर लिक्विड्स करते हैं, ऐसे अदर लिक्विड्स करते हैं, बट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग, 4 डिग्री से नीचे जाते पता नहीं क्या हो जाता है, ये एक्सपेंड करने लगता है और कंटिन्यू टू डू सो टिल द टेम्परेचर रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0, और जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचाता तब तक ये ऐसे एक्सपेंड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, द पॉइंट एट विच इट फेज इनटू आइस। अब वो 0 डिग्री सेल्सियस को डिफाइन कर रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जहाँ पर वो जाके फ्रीज हो जाता है, ठीक है। वो कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इनेबल्स, सर ये जो प्रॉपर्टी है ना अनयूजुअल एक्सपेंशन वाली, जो प्रॉपर्टी है ना ये क्या करती है, इनेबल्स करती है मैरीन लाइफ टू एग्जिस्ट इन द कूलर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इवन वेन द वाटर फेजेस ऑन द सरफेस इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट बिलो द आइस, देयर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द, पढ़ो जरा ये वाला, अच्छा एक बार खुद से पढ़ो पॉज करके, इम्पोर्टेंट है। वो कह रहा है कि हमने देखा कि सर पानी से ना जो वो होता है जमना, तो 4 डिग्री पे स्टार्ट हो जाता है जमना, तो वो स्टार्ट हो जाता है 4 डिग्री पर, 0 पे 0 डिग्री पर तो बिल्कुल टोटली हो जाए, 0 डिग्री पर जाकर तो क्या होता है समझा दूँ जरा आपको, शायद ये क्लियर नहीं हो आपको। जब हम बात करें 4 डिग्री के हैं तो 4 डिग्री पर इसकी पिक्चर कैसी होगी, ये सर हो सकता है सर ऊपर ऊपर से तो जमा हुआ, ऊपर ऊपर से तो आइस की लेयर हो, नीचे पानी हो, नीचे क्या है पानी फ्लो हो रहा है, नीचे पानी क्यों हो रहा है फ्लो हो रहा है, ये तो कब की बात है 4 डिग्री सेल्सियस की, लेकिन है ना, लेकिन मैं बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की, 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पता है क्या होता है, कोई पानी नहीं होता, 0 डिग्री से क्या हो जाता है कम्प्लीटली क्या हो जाता है सॉलिड हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या हो जाता है कम्प्लीटली सॉलिड हो जाता है, कम्प्लीटली यानी अब उसके नीचे पानी बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, अब बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, ऐसा कब 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऐसा कब 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और अगर 0 से 4 के बीच में है, 0 से 4 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बीच में होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है,
तो वो ऐसे स्टेट में रहता है कि ऊपर ऊपर से तो जमा होगा, ऊपर ऊपर से तो जमा होगा, ऊपर ऊपर से लगे के जमा है, लेकिन नीचे अभी पानी है। तो वो ये कह रहा है यही रीज़न है, ये जो प्रॉपर्टी है ना इसकी यही रीज़न है कि ठंडी ठंडी जगहों पर, कि वैसे जो जगह ठंडी हो तो ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा ही रहेगा, लेकिन नीचे का टेम्परेचर क्या होता है, नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में लोग मतलब पानी होता है, तो जो मेरी लाइफ होती है, जो मेरी लाइफ होती है तो फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वैसे आइस जमी हुई हो नीचे पानी होता है, तो वो नीचे पानी में क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे क्या रहता है, सारी चीज़ें लिक्विड स्टेट में होती है, सारी चीज़ें क्या होती है लिक्विड स्टेट में होती है, इसलिए सर ऐसा क्यों? एज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर, वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, और आइस तो बैड कंडक्टर है हीट का, आइस का बैड कंडक्टर है हीट का। तो ये आपके लिए जरूरी था नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट केवल यहाँ तक था। ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ लिखो, सी वाला लिखो, इसका सिक्स्थ का सी, सेवेंथ वाला लिखो, नाइन्थ वाला लिखो, दोनों को ध्यान से देखना। सेंटीग्रेड लिखा ना, सेंटीग्रेड इसको इसको फिर से कन्फ्यूज होता ना, इस सेंटीग्रेड का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको सेल्सियस पढ़ना, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ना इसको, सेल्सियस है ना। और कुछ नहीं है ना, ये होमवर्क है आपका। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।